तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक तरफ ईडी की तरफ से उनको पेश किया जाएगा, जिसमें रिमांड की मांग ईडी की तरफ से की जाएगी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज मुख्यमंत्री की जो लीगल टीम है, उनके द्वारा जो अर्जी डाली गई है, उसको लेकर भी सुनवाई होगी। तो देखिए, दो तरह की बातें हैं, या तो मिलेगी सुप्रीम राहत या फिर मिलेगी न्यायिक हिरासत। तो ये देखना होगा कि आज कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो उस दौरान क्या कुछ होता है। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री के गिरफ्तारी को लेकर जो विरोध प्रदर्शन, जो प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया है, उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मंत्री आतिशी को, मंत्री सौरभ भारद्वाज को, विधायक कुलदीप कुमार को, इनको डिटेन किया गया है, इनको हिरासत में लिया गया है। बलराम पांडे हमारे साथ तजी मीडिया संवाददाता लाइव कनेक्टेड है, सीधे बलराम का रुख कर लेते हैं। बलराम, मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया गया है, विरोध प्रदर्शन भी जोरदार लगातार नजर आया, अब डिटेन भी कर दिए गए हैं तमाम विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के। अब दो तरीके की बातें हैं, बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ इसको जीत बता रही है, आम आदमी पार्टी इसको बीजेपी का डर बता रही है। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी साफ तौर से कह रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बीजेपी डरती है और इसी डर के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया, क्योंकि 2024 में जिस तरीके से उन्होंने इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने की बात कही थी और उन्होंने इंडिया गठबंधन के तहत अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी, उसके बाद से बीजेपी लगातार उन्हें प्रचार से रोकना चाहती थी, उन्हें गिरफ्तार करना चाहती थी, इसीलिए उन्हें ईडी के द्वारा गिरफ्तार कराया गया है, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ था और भ्रष्टाचार के जरिए जिस तरीके से दिल्ली में जो लीकर पॉलिसी है वो लाई गई, उसको लेकर के कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार होना था। और आज जिस तरीके से ईडी ने गिरफ्तार किया है, उसको लेकर के ये दिन आने वाला पहले भी था और आ ही गया है, ये बात बीजेपी के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी जीत बीजेपी से बता रही है, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल के डर से केजरीवाल की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी बता रही है। तो आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो बादस्तूर जारी है, लेकिन हम आपको सबसे पहले आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर की तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके का इस वक्त नज़ारा है आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं, साथ ही आप देख सकते हैं जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं उन्हें तैनात किया गया है और इस मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस मार्ग को अपने कब्जे में लिया है, जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक आपको सिर्फ वज्र वाहन और वाटर कैनन की गाड़ियां नजर आएंगी और जो पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैदी से तैनात नजर आएंगे, क्योंकि ठीक सामने जो बीजेपी का मुख्यालय है वो है और उससे पहले जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वो है, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी पेश करेगी। लंच के बाद उन्हें पेश किया जाएगा और उनकी रिमांड ईडी मांगेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि हम रिमांड का विरोध करेंगे और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है आम आदमी पार्टी और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमने गिरफ्तारी को लेकर के जो चुनौती आम आदमी पार्टी ने दी है वो सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच जो है वो सुनवाई करेगा और आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमें न्याय मिलेगा, देर लग सकती है लेकिन न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि सच की जीत हमेशा हुई है और आगे भी होती रहेगी। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से बयान जारी कर रहे हैं कि पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा और इस गिरफ्तारी को लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे, एक केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हो लेकिन केजरीवाल की सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते और दिल्ली की सड़कों पर आपको केजरीवाल ही केजरीवाल नजर आएंगे, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। और इसी तरह की तस्वीरें आम आदमी पार्टी मुख्यालय और बीजेपी मुख्यालय के बाहर नजर आ रही है, क्योंकि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है और इसी मार्ग पर आम आदमी पार्टी का भी मुख्यालय मौजूद है, इसी मार्ग पर राउज एवेन्यू कोर्ट भी है और इसी मार्ग पर बीजेपी मुख्यालय भी मौजूद है। तो कुल मिला के इस मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, चारों तरफ भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है, अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात हैं। मोदी हारेगा, उसको उसकी हार दिखाई दे गई है।
केजरीवाल जी को उसने गिरफ्तार करवाया है। ये ईडी के धमके हमको रुकवा नहीं है। पुलिस हमने उठा रखा है, अरेस्ट किया हुआ है, लाठी मार रही है, डंडे मार रही है। क्या हमारे मुख्यमंत्री गिरफ्तार किया गया है? दिल्ली के लोगों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है? तो सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये प्रदर्शन, जोरदार प्रदर्शन। मोदी सरकार की जवाब जरूर देंगे और अब की बार 2024 में देश के लोग जवाब दे देंगे। प्रोटेस्ट जारी रहेगा, पूरे देश भर में प्रोटेस्ट जारी रहेगा। संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। पूरी गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की माता जी एक दिन पहले अस्पताल से आई है, बेटे को अरेस्ट कर लिया, घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते, एक मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे, ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है, जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। ये देश में पहली बार है कि चुनाव शुरू होने के बाद, चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये लोकतंत्र पर हमला है, ये देश के लोगों के अधिकारों पर हमला है। आम आदमी पार्टी इस तानाशाही के खिलाफ लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। हम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि कोर्ट लोकतंत्र की रक्षा करेगा।